महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी एक घटना जिसका शीर्षक है सत्य की जीत। राजकोट के हाई स्कूल में शिक्षक व विद्यार्थी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए थे। वहां पर कुछ ही समय में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर स्कूल का मुआयना करने के लिए आने वाले थे। अब शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को समझा दिया था कि उन्हें किस प्रकार से जवाब देना है और किस प्रकार प्रश्न हल करने हैं। अब कुछ ही देर में तत्कालीन शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जॉयल्स स्कूल का मुआयना करने के लिए आ पहुंचे। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उन्होंने अंग्रेजी में श्रुतलेख बोला। उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी में 5 शब्द लिखवाए, उनमें एक शब्द था केटल। कक्षा का एक विद्यार्थी जिसका नाम था मोहनदास, वो इस शब्द की सही स्पेलिंग नहीं लिख सका। स्कूल के शिक्षक घूम घूम कर सभी विद्यार्थियों को कॉपी दिखा रहे थे कि किसी ने कोई गलती तो नहीं की। सहसा शिक्षक की नजर मोहनदास की कॉपी पर पड़ी तो उन्हें कैटल शब्द की स्पेलिंग गलत दिखी हुई मिली। उन्होंने इशारे से मोहनदास को अन्य विद्यार्थियों की नकल करने और स्पेलिंग ठीक करने के लिए कहा, किंतु मोहनदास ने ऐसा नहीं किया। मोहनदास को छोड़कर अन्य सभी विद्यार्थियों के सभी स्पेलिंग सही पाए गए। अकेले मोहनदास ही ऐसे थे जिन्हें इस परीक्षा में 100% अंक हासिल नहीं हुए। अब वहां से इंस्पेक्टर चले गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद शिक्षक को गुस्सा आया और गुस्से में मोहनदास से बोले, तू तो बड़ा बुद्धू है मोहनदास, मेरे इतने इशारे करने पर भी तूने अपने साथ वाले विद्यार्थियों की कॉपी से नकल करके स्पेलिंग ठीक ही नहीं की। लगता है तुम में अकल ही नहीं है। शिक्षक की बात सुनकर मोहनदास ने दृढ़ता से कहा, सर ऐसा करना धोखा देने और चोरी करने जैसा है, ऐसे में नकल करना भी तो गलत ही हुआ ना। शिक्षक बालक मोहनदास की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मोहनदास को गले लगाते हुए कहा, मोहनदास तुम आगे चलकर बहुत कामयाब बनोगे। और वाकई में मोहनदास के शिक्षक की बात 100% सही साबित हुई। वही बालक आगे चलकर राष्ट्रीय पिता महात्मा के रूप में पहचाने गए।